जानवर बोल दो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन शेर बोलो वाह भाई क्या खुश हो जाएंगे। गिर गया। कौन? हमारा सवाल ये है, किसी लड़की की एक बार झापड़ खाए हो कि नहीं? कभी किसी लड़की को नाइट में घुमाने ले गए हो? क्या भीख मांगना छोड़ दियो? पास में आपका कोई बॉयफ्रेंड था कि नहीं? झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं, सच्चा है। तेरा शक्ल देख के ना हमारे मोहल्ले वाले तो घुसने ही नहीं देंगे तेरे को। आपसे हम क्वेश्चन करेंगे एक तो, ये पतले होने का राज क्या है? सब लोग मोटे होने का राज पूछते हैं, पतले होने का राज क्या है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? तो लोग आपको सुअर क्यों कहते हैं? आई होप मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। हर बार तो यही चल रहा है यार, क्या करेंगे। दिल का दरिया मेरा भाई ये सबसे करिया। अरे भैया कोजा देख लियो। क्यों हंस रहा है भाई, हंस क्यों रहा है? नाम तो दीपक रख दिए, 8-10 लड़कियों को अंधेरे में रखा हुआ है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इतना नाइंसा भी चल रहा है, कुछ भी क्या हंस क्यों रहा है? अब वहाँ देख के मत हंसना, समझ जाएंगे जो सच है वो सच। समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो गई? 8-10 अरे सॉरी यार गलती हो गया, 8-10 नहीं 11-12 लड़कियों, 15-16 लड़कियों के अंधेरे में रखा हुआ है। किसी ने नहीं पूछा, खुद नाइंसाफ ही है। मेरे को एक भी लड़की देखो देखो नरेंद्र की चेहरे से मतलब है। हैं मिल गया, ए भगवान हम लोग भगवान पार्टी लेगा। एक बार में मन नहीं भरता, मुड़के देख मुझे दोबारा। चलती है क्या 9 से 12? लेकिन हम 9 से 12 नहीं देंगे, 3 से 6। सुअर फोटो ले रहा है गाइस, देख सकते हो जलन के मारे। लेना भाई तेरी मतलब भाभी की फोटो। तो गाइस यार हमारे साथ हो गया है पोपट, जो कि हम आप सभी को दिखाएंगे। ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल, कुछ भी इसका देखो। मुस्कान इतना पोपट भाई। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। हंस क्यों रही है? गुलाबी आंखें ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सब बढ़िया मजे में, कैसे हो फिर? चाय पानी नाश्ता हुआ? तो ही गाइस आप सभी को मैं क्या बताऊं, इतनी क्यूट सी लड़की है, इतनी क्यूट सा मतलब लड़का मेरा भाई है। अब भाभी तो नहीं बोल सकता क्योंकि हम भी पटाने में लगे हैं। क्या पता हमसे पड़ जाएगी तो भाभी ये बोलेगा, इससे पड़ जाएगी तो हम भाभी बोलेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन गाइस क्या चल रहा है आज ये सब जानती है। प्यारी समझ गई। आजकल के लोगों को जानवर बोल दो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन शेर बोलो वाह भाई क्या खुश हो जाएंगे। गिर गया। कल करे सो आजकल, आज करे सो अब। सुअर की भी गर्लफ्रेंड बन गई है तो मेरी बनेगी कब? कौन? हे भगवान एक मिस कॉल करने वाली ढूंढ दो जो मेरे फोन में भी मिस कॉल करे। क्या हुआ हंस रही है? कौन सा फिर जियो का अनलिमिटेड ऊपर लेके जाऊंगा मैं? ठीक है ना, नंबर दे इसका। कौन सा नंबर है रे बाबा, मेरे फोन में तो लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों आप सभी को हम एक ताजा खबर मतलब सबसे इंटरव्यू लेंगे, कुछ कुछ सवाल करेंगे, क्या जवाब रहेगा आप सभी को दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनना, सीधा सीधा बोलना, सीधा जवाब मतलब पूछना। नाम क्या है? निखिल। सर नेम कौन दादा बताएगा? दिशाई। बोलो नो। बोलो हाँ ठीक है। तो हमारा सवाल ये है, किसी लड़की के एक बार झापड़ खाए हो कि नहीं? अरे बाबा
नहीं बोलना है भाई, हाँ या ना? झापड़ खाया है लड़की का तो पता नहीं, चुड़ैल से खाया हूँ, मतलब समझ लो एक साइज इसकी। और दूसरा आपसे हाँ समझ रहे हो, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, कभी किसी लड़की को नाइट में घुमाने ले गए हो? हाँ सच सही बताना है भाई, झूठ ना भैया, अकेली छोड़ने जाते हैं बस भैया, गलत मत छोड़ने जाते हो गिफ्ट को। ना एक बात ही, इतना नाम था सेमड़ी नाक पोछ के नहीं होती, सिर सिर करती है मेकअप लगाती है बोलता है कर आधा घंटा तो मेकअप, गाइस समझ रहे हो, इतना मेकअप आज कमेन जेरी वाला टी शर्ट पहनी है, दिखा तो भाई दिखा। तो चलो गाइस चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इधर इधर दिखा ना रे। ओ हां क्या भीख मांगना छोड़ दियो ये मेरी बिचारा, मां भाई जो पूछा वो जवाब दो ना यार, क्या भीख मांगना छोड़ दियो? हां छोड़ दिया यार, पहले भीख मांगते थे मतलब नहीं नहीं कितना कलेक्शन होता था हो जाता था 250-300 मतलब निकल जाता था रोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बस कर भाई, पहले बोल ले क्वेश्चन करने दे, बस कर क्वेश्चन कर। हां तो दोस्तों ये बहुत ही मुद्दा मतलब खतरनाक वाला क्वेश्चन है, जो कि आप सीरियसली ना लें, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रहेगा अपने माइंड में भी नहीं आया। हरामी हो बेटा, पास में आपका कोई बॉयफ्रेंड था कि नहीं? झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं, सच्चा है। जो जानते हो भाई कमेंट करके जरूर बताना, इसको अगर कोई पहचानता है ना जगदलपुर से तो बहुत लोग पहचानते हैं, मेरे को पता है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आपको आपको आपका प्यार मिला नहीं? नहीं 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 नहीं, आपको दूसरे मोहल्ले वाले घुसने देते हैं, मतलब कहीं जाते हो रिश्तेदार देते हैं, देते हैं तेरा शक्ल देख के ना, हमारे मोहल्ले वाले तो घुसने ही नहीं देंगे तेरे को। शकल दिखा, शकल शकल दिखा, आइसक्रीम थोड़ा पोते में, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, इसलिए तो भाई कैटेगरी चेंज है इसका, समझ रहे हो ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को नहीं चाहिए, इधर 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 जल्दी जल्दी दिखा दिखा। ओह नो भाई, सस्ता नशा करता है ना, चश्मा निकाल आंख दिखा दे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है, क्या कभी किसी लड़की को प्रपोज किया? हां किसको? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यार ये तो नहीं पता, लेकिन किया हूं। तो गाइस आप समझ चुके होंगे किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया है, तो समझ गए होंगे किसको किया होगा। तो चलो चलते हैं आज के इस ब्लॉग को और कंटिन्यू करते हैं, और कुछ लोगों से सवाल करते हैं, नए नए दोस्तों से मिलते हैं मिलाते, तो चलो चलते हैं। तो भाई साहब इधर इधर देखिए, इधर देखिए, तो आपसे हम क्वेश्चन करेंगे एक, तो ये पतले होने का राज क्या है? सब लोग मोटे होने का राज पूछते, पतले होने का राज क्या है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओ भाई ये क्या था, कुछ तो गड़बड़ है भैया, इधर आ इधर आ इधर आ इधर। तो मोटे होने का कारण है, तो लोग आपको सुअर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन लोग इलायची सुपारी नहीं खाते। मतलब समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो, हमको भी समझ में नहीं आया। तो चलो चलते हैं, व्लॉग करते हैं कंटिन्यू, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। माना कि आपके दिल में जगह नहीं है, पर यार हो सके तो फेफड़े में एडजस्ट कर लो। हम तुमको सीधा घर ले जाएंगे। अच्छा, दिल में काहे रखे, घर में रानी बना के रखेंगे। तेरी झलक शर्फी शिवा।